अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पुलिस की आम जनता के बीच कितनी विश्वसनीयता है यह तो आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन समय समय पर रीवा पुलिस को न्यायालय से भी फटकार झेलनी पड़ती है। ताजा मामला एक बार फिर रीवा जिले न्यायालय में सामने आया है, जहां 2013 में गुड़ थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में पुलिस की गलती के चलते लूट के आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दरअसल 6 जुलाई 2013 को राम उजागर सोनी के साथ लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर नकदी की लूट हुई थी, जिसमें 5 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की शिकायत पर गुड़ पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सिविल लाइन थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी संदीप अयाची ने अपने थाना क्षेत्र से विजय सिंह, अतुल कुशवाहा, अंशुल तिवारी नाम के युवकों को पकड़ा और बताया कि गुड़ लूट कांड के साथ अन्य लूट का भी भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। इसी दौरान पुलिस ने दो अन्य आरोपी रावेंद्र सिंह और शिवेंद्र सिंह उर्फ मिंटू को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामला न्यायालय सप्तम न्यायाधीश के यहां विचाराधीन था। इस दौरान पीड़ित राम उजागर सोनी के साथ जांच अधिकारियों के बयान हुए, लेकिन पुलिस ने जब्त किया गया सोना न्यायालय के मालखाने में जमा नहीं करवाया, जिसके चलते शासकीय अधिवक्ता ने यह नहीं सिद्ध कर पाया कि बरामद हुआ माल आरोपियों का था या पीड़ित राम उजागर सोनी का, जिसके चलते सभी आरोपी बरी हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस की इस लापरवाही के चलते न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक रीवा को निर्देश दिया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही जब्त किया गया माल न्यायालय के माल खाने में जमा कराएं और उस माल को राज सात करें। आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा ने बताया कि पुलिस के द्वारा विजय सिंह, अतुल कुशवाहा, अंशुल तिवारी, रावेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह मिंटू को आरोपी बनाया था, जिनमें 4 की पैरवी उनके द्वारा की गई थी और 1 आरोपी की अन्य अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की जा रही थी। सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि तत्कालीन थाना प्रभारी संदीप अयाची दुष्कर्म मामले में जेल में है और इनके ऊपर पहले से कई संगीन आरोप लग चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं उक्त निर्णय पर अधिवक्ता राजीव सिंह ने क्या जानकारी दी है। मामला ये है कि पुलिस थाना गुढ़ में दिनांक 6 जुलाई 2013 को राम उजागर सोनी ने रिपोर्ट लेकर आई कि वह जो है गुढ़ में सोने चांदी की दुकान संचालित करते हैं और वह शाम को 6 तारीख को दुकान बंद करके सोने चांदी के आभूषण लेकर के अपने घर जा रहे थे, महसाओं जा रहे थे, तो महसाओं के पास 5 लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए सोने चांदी के लाखों कीमती के आभूषण लूट लिए गए, जिस पर पुलिस ने धारा 395 और 120B का अपराध आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया गया, पुलिस थाना गुढ़ में दर्ज किया गया और सिविल लाइन द्वारा, पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा जब ये जानकारी मिली कि गुड़ के मुकदमे में कुछ मुलजिम रीवा में यहाँ पर घूम रहे हैं, तो संदीप अयाची तात्कालीन TI सिविल लाइन ने विजय सिंह, अतुल कुशवाहा और अंशुल तिवारी, जो उस मामले के मुलजिम बताए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया और संदीप अयाची द्वारा ये बताया गया कि गिरफ्तारी के पश्चात आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण लाखों की कीमत में, जो गुड़ के लूट की घटना के अतिरिक्त भी सोने चांदी के आभूषण पाए गए हैं और वो जब्त करना उन्होंने बताया। इस मामले में रावेंद्र सिंह, विजय सिंह मझियार, अतुल कुशवाहा, अंशुल तिवारी और शिवेंद्र सिंह उर्फ मिंटू गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के पश्चात ये गुड़ पुलिस को सुपुर्द किए गए। गुड़ में उस समय अरुण सिंह थाना प्रभारी थे और उनके अधीनस्थ जांच की गई और जांच पश्चात चालान पेश किया गया, मामला पेश किया गया कोर्ट में। कोर्ट में जब मामला आया तो कोर्ट में मालखाना होता है, थाने भी मालखाना होता है, पुलिस थाना प्रभारी या अन्वेषण अधिकारी की ड्यूटी होती है कि जिस अपराध में जो मुद्देमाल आप जब्त करते हैं
उसको आप न्यायालय के मालखाने में जमा कराएं और विचारण के समय, गवाही के समय उस मुद्दे माल को गवाह के समक्ष या अन्वेषण अधिकारी के समक्ष पेश करें। इस मामले में राम उजागर सोनी की जब गवाही हुई तो उनकी गवाही के समय सोने चांदी के आभूषण कोर्ट में पेश नहीं किए गए। अन्वेषण अधिकारी का जब बयान हुआ तब पेश नहीं किया गया। कोर्ट गुड़ थाना द्वारा व सिविल लाइन थाना द्वारा सोने चांदी के आभूषण जो जब्त करना बताए जा रहे थे वो न्यायालय के मालखाने में जमा नहीं किए गए। उसका कोई भौतिक अस्तित्व जो है अभियोजन प्रूव करने में असफल रहा कि इन्हीं लोगों द्वारा घटना कारित की गई और इन्हीं लोगों द्वारा लूट कारित की गई। इस संबंध में माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने 395 भारतीय दंड विधान एवं 120B भारतीय दंड विधान के अंतर्गत सभी आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है। विचारण के दौरान राबेन सिंह की मृत्यु हो गई थी एवं विजय सिंह, अतुल कुशवाहा एवं अंशुल तिवारी की ओर से पैरवी मैं कर रहा था। शिवेन सिंह उर्फ मिंटू की ओर से पैरवी आशीष सिंह जी कर रहे थे। बाकी मुलजिमों की पैरवी मैं कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस में ये है कि जो निर्णय करते हुए माननीय न्यायालय ने कमेंट किया है वो कमेंट ये है कि उन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि जो माल जब्त किया गया है वह माल सिद्ध नहीं हुआ है कि वह माल आरोपी का है कि फरियादी का है, इसलिए उस माल को राजसात किए जाने का आदेश पारित किया है कि सोने चांदी का आभूषण जो जब्त किया जाना बताया जा रहा है वो राजसात किया जाए। दूसरी चीज़ का डायरेक्शन दिया है कि गुड़ थाने से उस माल को मंगाकर मालखाना कोर्ट में जमा कराया जाए। और तीसरी चीज़ ये भी लिखा है कि एसपी साहब को यह सूचित किया जाए कि एसपी साहब उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें जिन्होंने मालखाना में, कोर्ट के मालखाना में माल जमा करने में लापरवाही की। ऐसा कमेंट्स माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में पारित किया है।